वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है शुभम फोगाट। आपने अपने पिछले कंप्यूटर के लेक्चर में कवर किया था इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल। हमने उसके फंक्शंस देखे थे, एमएस एक्सेल होता क्या है वो देखा था, उसके कुछ फॉर्मुलेज करने की कोशिश की थी, मैक्रो करने की जो है वो कोशिश की थी। आज हम अपने उसी यूनिट के अगले टॉपिक पर आएंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन टू एमएस पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट किस लिए किया जाता है, क्या उसके फंक्शंस हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्या इसकी डेफिनेशंस हैं, फीचर्स हैं, वो सारे जो है आज हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट। तो इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट, आइए जान लेते हैं इस चैप्टर में जो है हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पावर पॉइंट पढ़ लेंगे कि पावर पॉइंट होता क्या है, कहां से ओरिजिनेट हुआ, एमएस ऑफिस के पैकेज का ही ये पार्ट है, एमएस सूट जिसको आप कह सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर जानेंगे। क्रिएशन ऑफ प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट का जो पॉइंट है या उसका जो पर्पस है वो है प्रेजेंटेशन क्रिएट करना, आपके फाइनेंशियल डाटा को लेकर, आपकी स्कूल असाइनमेंट्स को लेकर, आपके रिसर्च को लेकर, इस तरह के जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब आप करते हैं, अच्छे खासे एक वेल सूटेड जो है आप स्लाइड्स इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी रिसर्च, अपने डॉक्यूमेंट्स को वहां पर पब्लिश करने के लिए, दिखाने के लिए बड़ी जनता में, तो वो जो है पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इंसर्शन ऑफ स्लाइड्स, आप एडिशनल स्लाइड्स कैसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्शन ऑफ इफेक्ट एंड एनिमेशन, आप अपनी स्लाइड्स में जो फॉन्ट है वो किस तरह से, कभी कोई फॉन्ट उड़ के आना है, कभी कोई साइड से स्लाइड होना है, कोई लेफ्ट से स्लाइड करना है, इस तरह के जो है एनिमेशन जो है इफेक्ट जो है आप अपने पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। रेनफॉल करवाना है, थंडरिंग करवानी है, बिग राउंड ऑफ अपलोज की जो साउंड इफेक्ट है, उस तरह की भी चीजें आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वर्किंग विद ग्राफिक्स, ग्राफिक्स जो है जैसे आपके चार्ट्स हो गए, उस तरह की चीजें जो है वो भी आ सकती है यहाँ पे, इमेजेस हो गए, एनिमेशंस हो गए, वीडियोस हो गए, जीआईएफ्स हो गए, इस तरह की सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। फॉर्मेटिंग, अपने प्रेजेंटेशन को फॉर्मेट कैसे करना है ताकि वो फॉर्मल लग सके, वो जो है बिल्कुल इमेच्योर जो है दिखाई ना दे, वो सारी चीजें यहाँ पर कर लेंगे। एनिमेशन का कॉन्सेप्ट कर लेंगे कि एनिमेशन किस तरह से की जाती है, क्या क्या एनिमेशन होती हैं, कितने फिजिकली इंटेंसिव या हार्डवेयर इंटेंसिव एनिमेशन जो है वो पावर पॉइंट के अंदर की जा सकती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर की जाएंगी। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। पावर पॉइंट इज अ ग्राफिक पैकेज विच अलाउज टू क्रिएट ड्रॉइंग्स, चार्ट्स एक्सेट्रा एंड देन यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस। तो ग्राफिक्स एक पैकेज है जिसके अंदर हम ड्रॉइंग्स, चार्ट्स, इमेजेस, अच्छे अच्छे फोन, साउंड इफेक्ट्स, वीएफएक्स, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको बहुत जो है प्यारा बनाया जा सके, उसको एक प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए जहां बहुत सारी जनता उसको देख सके उसके लिए यूज किया जा सके। इट मेक्स द प्रेजेंटेशन वेरी अफेक्टिव। तो प्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है, प्रेजेंट करना, किसी को दिखाना, तो वो चीजें, किसी को व्यक्त करना, वो सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्टिव हो जाती हैं जब आप उसके अंदर इस तरह की चीजें जो है ऐड कर देते हैं। देयर आर टू बेसिक फीचर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर सिंप्लीफाइंग द टास्क इन पावरपॉइंट एंड दीज आर प्रेजेंटेशन डिजाइन एंड ऑटो लेआउट्स। तो प्रेजेंटेशन डिजाइन और ऑटो लेआउट्स दो ऐसे फीचर्स हैं जो आपका काम है प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट में वो आसान कर देते हैं, और इन दोनों के फंक्शंस हम आगे डिस्कस करेंगे। प्राइमा फेसिंग में आपको बता देता हूं, ऑटो लेआउट्स आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिसके अंदर आप सिंपली जाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसी फॉर्मेट में जो है आप सिंपली अपना डाटा एंटर कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन डिजाइन भी आपको उसी तरह से मिलता है कि एक प्रॉपर बना बनाया जो है पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर ही आप जब जाएंगे वहां पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे, एक ब्लैंक पावर पॉइंट पे क्रिएट करेंगे तो वो आपको एक टेम्पलेट जो है प्रोवाइड कर देगा। आप उस टेम्पलेट में जाइए, अपना कलर फेवरेट चूज करिए, फॉन्ट फेवरेट चूज करिए, इस तरह की सारी चीजें जो है बनी बनाई आपको मिल जाएंगी, आप बस उसके अंदर जाकर अपना डाटा पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आते हैं बेसिक टर्म्स इन पावर पॉइंट, कि पावर पॉइंट के अंदर बेसिक टर्म्स यानी कि जो शब्द हैं, कौन कौन सी डेफिनेशन है, कौन कौन से शब्द हैं जो इसके अंदर हम यूज करेंगे, आइए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रेजेंटेशन, कि भाई हम तब से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि प्रेजेंटेशन इफेक्टिव हो जाएगी, ब्यूटीफुल हो जाएगी, उसके अंदर ग्राफिक्स डल जाएंगे। अब देखते हैं प्रेजेंटेशन होती क्या है। द प्राइमरी टाइप ऑफ फाइल पावर पॉइंट इज यूज टू क्रिएट, फिर से वही बात, प्रेजेंटेशन जो पावर पॉइंट के थ्रू बनाई जाए, प्रेजेंटेशन टिपिकली हैव अ फाइल एक्सटेंशन .ppt, यानी कि पीपीटी जो है वो पावर पॉइंट की फाइल एक्सटेंशन होती है, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हाउएवर वी कैन ऑल्सो सेव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड अडोबी एक्रोबेट डॉक्यूमेंट्स विद द फाइल .pdf, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को जो है वो .pdf के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। फाइनली वी कैन सेव योर प्रेजेंटेशन एज अ वेब पेज विद .html। ये अलग अलग चीजें दी गई हैं कि आप अपनी जो प्रेजेंटेशन वहां पर क्रिएट करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को जो वहां क्रिएट करते हैं एमएस पावर पॉइंट के थ्रू, उसको अलग अलग एक्सटेंशन में सेव कर सकते हैं अलग अलग फाइल्स बनाने के लिए। अगर आपको उसको प्रेजेंटेशन ही रखना है, पावर पॉइंट से ही चलाना है, तो आप .ppt यूज कीजिएगा। अगर आप उसको पीडीएफ की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप जब उसको सेव कर रहे हैं तो सिंपली जाके उसका नाम वहां पर एंटर करिए और उसको .pdf उसके आगे लगा दीजिए। ये कंपेटिबल आपस में इतने होते हैं कि वो जो आपकी प्रेजेंटेशन है जो आपने पावर पॉइंट बनाई है वो सिंपली आपकी पीडीएफ की तरह ओपन हो जाएगी। और सिमिलरली अगर आप उसको एक वेब पेज की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, यानी कि अपना जो आप इंटरनेट पे जिस तरह से चीजों को देखते हैं, उसके लिए आप उसके आगे जहां .ppt लिखा है उसको हटा के .html या .htm इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आती हैं स्लाइड्स, जो आपके पेजेस वहां खुले होते हैं जिसके अंदर आप अपना कंटेंट फीड करते हैं, वो सारी चीजें प्रेजेंटेशन में
पार्ट होती हैं। जैसे स्लाइड्स का मतलब नॉर्मली प्रेजेंटेशन के पेजेस को आप स्लाइड बोल सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स के को में आप पेजेस होते हैं वैसे प्रेजेंटेशन में स्लाइड होती हैं। लेआउट द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन अ स्लाइड। जैसे अब ये लेआउट है, आप देखेंगे यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है, यहाँ पर रिमार्क्स लिखे गए हैं, यहाँ पर रिमार्क्स लिखे गए हैं, तो एक प्रॉपर लेआउट है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि अगर ये मेरी ए फोर शीट है तो उसके इतने साइज में जो है कंटेंट होगा। इधर जो है मैं रिमार्क्स का पेज लिख दूंगा। अब रिमार्क्स यहाँ क्यों दिया गया है, ताकि मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोई चीज जो है वो ठीक करनी है, करेक्शन करनी है, मैं सिंपली यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू करूंगा और उसको बाद जो है उसको यहाँ पर जाके लिख दूंगा कि इसकी जगह जो है ये चीजें होनी चाहिए। तो ये भी एक यहाँ पर इस पीडीएफ फाइल का, इस पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल का लेआउट है। हर फाइल का अपना लेआउट हो सकता है। आप वही है पावर पॉइंट जब खोलेंगे तो वहां पर जो है ऑटो लेआउट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहें तो खुद से बना सकते हैं बिल्कुल जीरो से, लेकिन अगर आपको वो मेहनत नहीं करनी है तो वहां पर बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, ये सिंपली अपनी पसंद का टेम्पलेट वहां पे चूज कर लीजिए, आप सिंपली फिर वो जो है उसके अंदर डाटा फीड कर सकते हैं। तो वो चीजें यहां पर होती हैं। व्यू, अच्छा आप अपनी प्रेजेंटेशन फाइल को जो है अलग अलग तरह से देख सकते हैं, वही चीजें जो एमएस एक्सेल में भी थी, एमएस वर्ड में भी थी। नॉर्मल व्यू, वेब पेज व्यू, प्रिंट व्यू, इस तरह की चीजें यहाँ पर भी दिखती हैं। यहाँ पर थोड़े उनके नाम जो है अलग है। नॉर्मल व्यू जैसे आप देख रहे हैं, एक स्लाइड आप काम कर रहे हैं, साइड में बाकी स्लाइड्स आ रही हैं, आप उसमें एडिट कीजिए, तो जब वो एडिट हो जाएगी आप दूसरी स्लाइड सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद उसमें एडिट कर दीजिए, तो इस तरह की है। फिर आता है स्लाइड सॉर्टर व्यू, जिसके अंदर आपकी स्लाइड जो है वो सॉर्ट हो जाती है। एंड स्लाइड शो व्यू, तो आपका स्लाइड शो है जो F5 से ट्रिगर किया जाता है, वो एक आपको मूवी की तरह जो है और स्लाइड शो की तरह जो है उसके अंदर आपकी प्रेजेंटेशन एक्टिवेट हो जाती है, तो फुल स्क्रीन आपका जो एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। उसके बाद डिजाइन टेम्पलेट, फिर से वही चीज, आपको बने बनाए जो है डिजाइन्स मिल जाते हैं। आपको अगर खुद से मेहनत नहीं करनी, अपने डिजाइन्स खुद नहीं बनाने, आप जाइए ब्लैंक पीपीटी पे क्लिक कीजिए, वो टेम्पलेट्स वहाँ पर गिवन होते हैं, आप अपनी पसंद का टेम्पलेट जो है वहाँ पर सर्च कर लीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, आप उसके अंदर फिर अपना डाटा जो है आराम से एंटर कर सकते हैं। स्लाइड शो फिर से वही आ गया जो आपके F5 से ट्रिगर किया जाता है, आप उससे जो है फुल स्क्रीन पर अपनी स्लाइड को आराम से देख सकते हैं, सारे एनिमेशन जो है वहाँ पर आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे किया जाता है। फिर से वही चीज, आप अपने ये जो है हमको यहाँ पर विंडोज XP का दिया गया है। अब हम देखते हैं इसमें देखेंगे, स्टार्ट में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हमें यहाँ पर दिख जाएगा। आजकल विंडोज 10 और 11 का जमाना है, तो भाई अपना नॉर्मल स्टार्ट पे जाइए, उस पर क्लिक कीजिए और अपना सिंपली वहां पर टाइप कर दीजिए, स्टार्ट विंडो खुले खुले आप टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए। आप पावर पॉइंट जैसे ही लिखेंगे आपको पावर पॉइंट दिख जाएगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर आते हैं पावर पॉइंट के स्क्रीन एलिमेंट की, जब पावर पॉइंट खुल जाता है तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो वही चीजें, टाइटल बार जिसमें आपकी फाइल का टाइटल आता है, फिर मेन्यू बार जिसमें फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट हेल्प वगैरह ऑप्शंस मिलते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार जिसके अंदर ओपन न्यू सेव, उसके बाद आपका जो है कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेटिंग वाले टूल बार जो है जिसके अंदर आप फॉन्ट साइज चूज कर सकते हैं, अपना साइज चूज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर क्या होगा वो चूज कर सकते हैं, उस तरह की चीजें अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें इस टूल बार में आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आता है आउटलाइन एंड स्लाइड टैब्ड प्लेन, मतलब यहाँ पर आपकी जो है सारी स्लाइड जितनी आप यहाँ पर क्रिएट करोगे वो सारी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, तो इस तरह से आप जो है उनके अंदर सेलेक्ट कर करके एडिट करे जा सकते हो। और आप इसी खाली एरिया में अगर राइट क्लिक करेंगे तो आप अपना टैब इंसर्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, आप इंसर्ट में जाइए, वहां पर आपको न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिल जाएगा, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी स्लाइड एड कर देगा, तो वो चीजें यहाँ पर दी है। उसके बाद आते हैं द पावर पॉइंट विंडो हैज टूल बार्स, एंड तो ये सारे इनको जो है फिर से डिफाइन किया गया है। उसके बाद आते हैं व्यू इन पावर पॉइंट, जो मैंने आपको बताया व्यू कौन कौन से तरीके हैं कि आप अपनी फाइल को, आप अपने प्रेजेंटेशन को किस तरह से देख सकते हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। नॉर्मल व्यू सिंपली जो अभी ये चल रहा है, ये देखेंगे आप, ये जो है नॉर्मल व्यू चल रहा है। अगर आप इसको जो है स्लाइड सॉर्टर व्यू, यानी कि आप जैसे अभी यहाँ पर एक स्लाइड दिख रही है, अगर आपको ये चार स्लाइड देखनी है इकट्ठी, तो इस तरह से जो है आपकी वो चार जो है स्लाइड यहाँ पर स्क्रीन पर इस तरह से जो है एक टैब्यूलेटेड फॉर्म में यहाँ पर खुल जाएंगी, तो आप इंडिविजुअल स्लाइड ऐसे यहाँ पर एक साथ जो है देख सकते हैं। और सिमिलरली आपका जो स्लाइड शो व्यू है वो वही है कि आप जो है प्रेजेंटेशन जब फाइनली अपनी सबको दिखाते हैं फुल स्क्रीन मोड के ऊपर, प्रोजेक्टर के ऊपर या कैसे भी, तो वो वहां पर आपका ये मोड यूज किया जाता है। उसके बाद आते हैं पावर पॉइंट स्लाइड मास्टर, तो ये स्लाइड मास्टर क्या होता है आइए जानने की कोशिश करते हैं। पावर पॉइंट ऑफर्स अ स्लाइड मास्टर फीचर दैट गिव्स यू प्रेजेंटेशन अ कंसिस्टेंट एंड प्रोफेशनल लुक। तो एक स्लाइड मास्टर जो है एक असिस्टेंट फीचर है आपके पावर पॉइंट के अंदर ही इनबिल्ट, जो आपकी प्रेजेंटेशन को और आपकी जो पीपीटी फाइल है, आपका जो डाटा है, उसको एक प्रोफेशनल और कंसिस्टेंट लुक देने में जो है हेल्प करता है। देखेंगे आपकी कभी आप जब पावर पॉइंट बनाएंगे तो आपने जो अपनी प्राइमरी जो स्लाइड का टेम्पलेट सेट करा है, तो आप जितनी भी उसके बाद स्लाइड इंसर्ट करेंगे ऐड करेंगे, वो सारी आपकी पहली स्लाइड के बिल्कुल अकॉर्डेंस में ही होंगी। उसका रंग भी सेम होगा, उसका फॉन्ट भी सेम होगा और उसका स्ट्रक्चर भी एग्जैक्टली सेम रहेगा, तो कंसिस्टेंसी जो है वो बनाई जा सकती है। तो ये फीचर जो है ये बैकग्राउंड में काम करता है, और ये फीचर का यही काम होता है कि आपका जो प्रेजेंटेशन बन रही है उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी बनाई जा सके और उसको एक एकदम से प्रोफेशनल लुक दिया जा सके।
तो स्लाइड मास्टर कैसे किया जाता है तो देखेंगे। स्टार्ट अ न्यू प्रेजेंटेशन और ओपन एन एक्जिस्टिंग वन, व्यू पे जाएंगे, मास्टर पे जाएंगे और स्लाइड मास्टर पे चले जाएंगे, अ स्लाइड विद प्लेस होल्डर्स अपीयर, तो इस तरह से चीजें जो है हो जाएंगी। ये एक्जैक्टली इस तरह से काम करता है आपका। परफॉर्म डिजायर्ड एडिटिंग, आफ्टर एडिटिंग क्लिक व्यू मेन्यू नॉर्मल टू सी अप्लाइड चेंज, आफ्टर चूज क्लोज व्यू स्लाइड मास्टर व्यू टूल बार। तो इस तरह से आप जो अपने एडिट्स किए हैं आपने वो सारे स्लाइड मास्टर में सेव हो जाएंगे। तो अगली बार जब आप अपनी कोई नई स्लाइड बनाएंगे तो वो स्लाइड मास्टर उसको उस आपकी प्रीवियस स्लाइड जो आपने रिकॉर्ड करी है मैक्रो की तरह, उसी तरह आपको अगली स्लाइड भी बनाने को दे देगा। तो आपको अलग अलग हर स्लाइड में वही फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी सारी स्लाइड जो भी आप सबसीक्वेंट स्लाइड ऐड करेंगे वो सारी एक ही फॉर्मेट से बन जाएंगी। उसके बाद आते हैं क्रिएटिंग एंड सेविंग। तो क्रिएट और सेव करना, तो क्रिएशन कैसे होता है, न्यू पे जाकर या ओपन करके, अगर क्रिएट की बात हो रही है तो यहाँ पर यानी आप पावर पॉइंट को खोलिए, स्टार्ट बटन दबाइए, पावर पॉइंट सर्च करिए, एंटर कीजिए, पावर पॉइंट खुल जाएगा। उसके अंदर आपको पूछेंगे कि न्यू पावर पॉइंट, ओपन पावर पॉइंट, इस तरह से। तो आप न्यू पावर पॉइंट पे जब क्लिक करेंगे तो वो आपको जो है एक ब्लैंक पावर पॉइंट की तरह वहां पर दिख जाएगा, चूज ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो ये चीजें जो है आपकी बन जाती हैं। तो इस तरह की आपकी जो है स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन का जो स्लाइड है, एक स्लाइड जो है वो इस तरह से आपको दिखाई देगी। ये आपकी एक स्लाइड है, आप जितनी यहाँ पर ऐड करते जाएंगे कोई टेंशन की बात है ही नहीं। और एग्जिस्टिंग करनी है तो आप जाएंगे अपना स्टार्ट मेन्यू पर जाइए, पावर पॉइंट सर्च कीजिए, ओपन कीजिए, उसके अंदर आपको तीन ऑप्शन फिर से दिखेंगे, न्यू, ओपन। इस तरह से आप ओपन पे क्लिक कीजिए, जो आपने पहले ही सेव कर दी थी बना के वो फाइल आप यहाँ से ओपन के थ्रू खोल सकते हैं। उसके बाद सेविंग कंट्रोल प्लस एस, इस तरह की चीजें जो है यहाँ पर बताई गई हैं। तो आप देखेंगे रनिंग पावर पॉइंट स्लाइड शो, जो आपका वो थर्ड टाइप का व्यू था, नॉर्मल व्यू था, स्लाइड शॉर्टर व्यू था और स्लाइड शो व्यू था, तो उसको ट्रिगर करने के लिए जो है आप सिंपली अपने कीबोर्ड पर F5 का बटन दबा दीजिए, आपका स्लाइड शो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं पेज सेटअप, यानी कि अपने पेज को कैसे सेटअप करना है, बॉर्डर्स कितने हो गए, हेडर्स कितना छोड़ना है, आपके फुटर्स कितने छोड़ने हैं, जो मेन कंटेंट एरिया है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। देखेंगे आप स्लाइड साइज 4, यानी कि आपकी जो स्लाइड है उसका साइज कितना होना चाहिए, वो किसके अकॉर्डेंस में जो है आप बना रहे हैं, A4 शीट के हिसाब से बना रहे हैं, मॉनिटर है वो फुल HD मॉनिटर है या 720p मॉनिटर है या 4K मॉनिटर है या एक प्रोजेक्टर है जिसकी 120 इंच की स्क्रीन होती है उसके लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां पर आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बिल्कुल किया यहाँ पर ऑन स्क्रीन शो, यानी कि एक प्रोजेक्टर पे जो है इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन वो दिखानी है। विड्थ दिख दी, 10 इंच की विड्थ होनी चाहिए, 7.5 इंच की हाइट होनी चाहिए, इस तरह से आप हर चीज जो है उसको चेंज कर सकते हैं। आप अपनी स्लाइड को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में भी चूज कर सकते हैं, जैसे पोर्ट्रेट जो है वो वर्टिकली होता है और लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल, उस तरह से यहाँ पर चीजें की जाती हैं। अब आते हैं एडिटिंग ऑफ प्रेजेंटेशन की, अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरह एडिट करेंगे हम, उसके अंदर कैसी कैसी चीजें जो है वो ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर करेंगे। तो एडिट मेन्यू के थ्रू जो है हम एडिट कर सकते हैं। तो एडिट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप पहला ऑप्शन देखेंगे वो क्या होगा, अंडू का, रिपीट का, रीडू का, मतलब अंडू और रीडू, उसके बाद कट कॉपी, और आपका ये है पेस्ट, पेस्ट स्पेशल ऑफिस क्लिपबोर्ड, यानी कि आप अगर कोई चीज है जो क्लिपबोर्ड में सेव कर देते हैं वो यहां से एक्सेस कर सकते हैं, फिर क्लियर है, फिर सेलेक्ट ऑल है, फिर डुप्लीकेट है, और फिर है डिलीट स्लाइड, यानी कि आप अपनी स्लाइड जो है वो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद है फाइंड, आपको अपनी सारी स्लाइड्स में से कोई पर्टिकुलर चीज ढूंढनी है, वो आपको कोई गलती हो गई है, डेट्स चेंज, अगर मान लीजिए आपने गलती से सारी जगह जो है 2022 की जगह 2021 डाल दिया है, इस टाइम ये गलतियां होना बहुत कॉमन है, तो ऐसा काम कर दिया है, तो आप सिंपली रिप्लेस में जाइए, 2021 टाइप कीजिए और रिप्लेस विद का ऑप्शन आएगा, ये है रिप्लेस, तो ये है रिप्लेस व्हाट, कि भाई रिप्लेस करना क्या है व्हाट, और रिप्लेस विद, तो रिप्लेस विद क्या करना है 2022, और आप सिंपली एंटर कर दीजिए आपके पूरी स्लाइड के अंदर, चाहे 150 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन हो, कुछ भी हो, जहां पर भी 2021 लिखा है वो अपने आप 2022 हो जाएगा एक सिंगल क्लिक में। तो वो चीजें जो है रिप्लेस फंक्शन कर सकता है, रिप्लेस फंक्शन आपका हर जगह अवेलेबल हो जाता है। इंसर्टिंग फंक्शन, इंसर्ट करना है तो स्लाइड कॉपिंग, कि भाई स्लाइड जो है वो डुप्लीकेट करनी है, इंसर्ट करनी है, वो सारी चीजें, ये सारी हैं। देखें आप, जैसे ये एक स्लाइड थी आपकी, आप इंसर्ट में जाइए, न्यू स्लाइड कर दीजिए तो आपकी न्यू स्लाइड हो जाएगी, अगर डुप्लीकेट करेंगे तो मतलब वही सेम स्लाइड, अगर आपने देखिए यहाँ तो कोई कंटेंट नहीं दिख रहा, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर सारा कंटेंट लिख दिया है ऑलरेडी, यहाँ पर आपने एक डायग्राम भी बना दिया है, और आप इंसर्ट में जाके डुप्लीकेट स्लाइड क्लिक करते हैं, तो आपकी जो दूसरी स्लाइड होगी या कौन सी भी नंबर की स्लाइड होगी उसके अंदर एग्जैक्टली वही चीज जो है यहाँ पर आपको यूं की यूं कॉपी जो है हो जाएंगी, तो ये आपका डुप्लीकेट स्लाइड है। और अगर आप न्यू स्लाइड पर क्लिक करते हैं तो सिंपली एक ब्लैंक स्लाइड जो है वो आपकी इस तरह से क्रिएट हो जाएगी, जिसके अंदर आप अपना डाटा दोबारा से सारा एंटर करेंगे। फिर स्लाइड नंबरिंग आती है, सेलेक्ट हेडर एंड फुटर, वही ये देखिए जैसे यहाँ पर ये जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन और इन बिजनेस है, तो ये क्या है, ये एक हेडर है, इसके लिए यहाँ पर जगह छोड़ी गई है, आप देखेंगे हर पेज में एग्जैक्टली इसी मार्जिन के ऊपर जगह छोड़ी गई होगी, इतने ही मार्जिन के ऊपर। तो ये क्या होता है, ये हेडर है, हम ऑलरेडी डिसाइड कर देते हैं ये, कि भाई ऊपर से जो है आप
एक दो सेंटीमीटर जो है अपना हेडर का छोड़ेंगे, उसके अंदर हम अपना पेज डाल देंगे और उस सब्जेक्ट का नाम डाल देंगे। तो इस तरह की चीजें हैं, और सिमिलरली ऐसे ही आपका फुटर काम करता है, यानी फुटर जो है नीचे आता है जिसके अंदर आप कुछ भी अपना डाटा डाल सकते हैं। तो वो चीजें यहाँ पर बताई गई है। स्लाइड नंबरिंग कि भाई स्लाइड की नंबर एक है, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, यहाँ तो आई रही है, यहाँ तो वैसे सीक्वेंस के लिए आ रही है, लेकिन आप स्लाइड में भी जो है वो चीजें इंसर्ट कर सकते हैं। प्रिंटिंग अ प्रेजेंटेशन, सिंपली आप जाइए अपनी कंट्रोल पी दबाइए, प्रेजेंटेशन बनाने के बाद आपका प्रिंट प्रीव्यू खुल जाएगा, अदरवाइज आप फाइल में जाइए, प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आपका जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर गिवन है, ये आपका जो है प्रिंटर ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे, आप इसके अंदर अपनी चीजें जो है थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, फाइल मेन्यू में ही प्रिंट से ऊपर जो है आपको प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, इधर यहाँ पर भी दिया है। स्लाइड को इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे, न्यू स्लाइड आपने जैसे मैंने आपको बता दिया, इंसर्ट पे जाइए, न्यू स्लाइड कर दीजिए, आपकी एक नई स्लाइड जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो ये यहाँ पर बताया कि इन्होंने फॉर्मेटिंग टूल बार से किस तरह आप जो है न्यू स्लाइड, तो यहाँ पर सीधा सीधा न्यू स्लाइड का ऑप्शन, आप उस पर क्लिक कर दीजिए तो आपकी नई स्लाइड जो है यहाँ पर एंटर हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि पावर पॉइंट में ग्राफिक्स का क्या काम है, उससे काम कैसे लिया जाएगा, उसको यूज कैसे करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर देखते हैं। ग्राफिकल एलिमेंट्स कैन हेल्प टू क्रिएट अट्रैक्टिव स्लाइड फॉर प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रोवाइड्स द ऑप्शन ऑफ एडिंग ऑटो शेप्स, वर्ड आर्ट, फ्लो चार्ट, सिंबल्स एंड क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट में कुछ अजीबो गरीब जो है आपके फिगर्स होते हैं, गाड़ी हो गई, जो उस तरह की चीजें हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, जैसे जो थोड़े कार्टूनिश टाइप में होते हैं जो आपके न्यूज़पेपर में आपको कभी कभी दिख जाती है, वैसी वैसी सिंपल आर्ट, बिल्कुल एकदम सिंपल आर्ट वो वाली यहाँ पर मिलेंगी। फ्लो चार्ट सिंबल्स, यानी कि आपको इस तरह से जो है फ्लो चार्ट बनाना है, इस तरह की जो भी चीजें हैं वो यहाँ बन जाएंगी। वर्ड आर्ट मिल जाएगा, मतलब आपको जो आप नाम लिख रहे हो, जैसे टाइटल है वो कितने जो है 3D वे में लिखना है, चमचमाते हुए वे में लिखना है, ग्रीन में लिखना है, व्हाइट में लिखना है, ब्लैक में लिखना है, वो सारी चीजें आपको वर्ड आर्ट में मिल जाएंगी। ऑटो शेप भी इसी तरह का फंक्शन होता है। इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद ऑटो शेप पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें आपकी जो है यहीं पर आ जाती हैं। तो और ऑल इन ऑल आपको अगर कुछ भी इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट मेन्यू का फायदा उठाएंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, जो आपको चाहिए इंसर्ट उस पर क्लिक करेंगे, उसके अंदर सब मेन्यूज को फॉलो करेंगे, जैसे यहाँ पर है एड एन ऑटो शेप टू प्रेजेंटेशन, इंसर्ट मेन्यू पर जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे, ऑटो शेप पे क्लिक करेंगे, ऑटो शेप अपनी पसंद का ढूंढ लेंगे और उसको अपनी जहां पर आपको चाहिए उस लोकेशन पर ड्रैग करके वहां पर रख देंगे, वो वहीं पे टिका रहेगा। एड एन ऑटो शेप विद टेक्स्ट टू अ प्रेजेंटेशन, यानी कि अगर आपको सिर्फ ऑटो शेप नहीं बल्कि उसके साथ कुछ टेक्स्ट भी लिखना है तो वो चीज कैसे करेंगे, तो फिर से ऑटो शेप टूल बार में जाइए, यानी कि इसमें जाइए और इसमें कॉल आउट्स का एक ऑप्शन होता है, कॉल आउट समझते हैं आप, जैसे मान लीजिए ये एक आदमी है, ये ऐसे खड़ा है और उसके ऊपर किसी इस तरह का जो है एक बादल सा बना होता है और उसके अंदर उसके थॉट्स जो है वो या वो जो बोल रहा है वो दिखाई, तो इस तरह की चीजें जो है वो कॉल आउट कहलाती है, वो हर तरह की शेप्स की हो सकती है, वो इस तरह भी हो सकती है, वो कॉल आउट आपके होते हैं। क्लिक राउंडेड रेक्टेंगुलर कॉल आउट, यहाँ पर राउंडेड का यूज किया गया है, आप वहां पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कोई भी ऑप्शन जाके चूज कर लीजिएगा। फिर क्लिप आर्ट की बात आती है, क्लिप आर्ट कैसे ऐड करना है, ड्राइंग टूल बार में जाइए, इंसर्ट क्लिप आर्ट, फिर कैटेगरी सच एज बर्ड, वहां सारी चीजें आप जो है कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड करना है, टेक्स्ट बॉक्स मतलब आपको अपनी स्लाइड में एक एडिशनल टेक्स्ट अगर लिखना है तो आप उसको टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू जो है लिख सकते हैं, तो वही चीजें। पिक्चर फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, तो आप जाइए पिक्चर कैन बी एडेड फ्रॉम स्कैनर, फॉर दिस इंसर्ट में जाइए, फ्रॉम मेन मेन्यू सेलेक्ट पिक्चर एंड देन सेलेक्ट कैमरा और स्कैनर, तो वही चीजें हैं। या आपके पास ऑलरेडी कोई डाउनलोड फोल्डर में फाइल पड़ी है, आप जाइए इंसर्ट में, पिक्चर पर सेलेक्ट कर दीजिए और इस तरह से आप कर सकते हैं, ये चीजें जो है आपकी हो जाती हैं। उसके बाद आते हैं फॉर्मेटिंग ऑफ प्रेजेंटेशन, कि अपनी प्रेजेंटेशन को फॉर्मेट कैसे करना है, उसको किस तरह से जो है अपना अच्छा सा दिखाना है, उसके फॉन्ट जो है अपने फॉन्ट्स हैं जो हमने शब्द लिखे हैं उसका फॉन्ट क्या होना चाहिए, वो टेक्स्ट कौन सा होगा, टाइम्स न्यू रोमन, सैंस, शेरिफ, बोल्ड, इस तरह की चीजें हैं, उसका जो है साइज क्या रहेगा, बोल्ड रहेगा, इटैलिक रहेगा या अपना अंडरलाइन करना है उसको, उस तरह की सारी चीजें यहाँ पर कर सकते हैं। फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड बुलेट्स और नंबरिंग, जैसे ये फिर से बता रहा हूँ, बुलेट्स और नंबरिंग, इस तरह से ये डॉट 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 लगाई है, 1, 2, 3 भी लिख सकते हैं, इस तरह की चीजें जो आप यहाँ से कर पाएंगे। अलाइन करनी है भाई, लेफ्ट मार्जिन में अलाइन करनी है, जैसे इस वक्त ये सारा टेक्स्ट जो है लेफ्ट की तरफ अलाइन हुआ हुआ है, इसी को अगर मुझे यहाँ से जैसे अभी जो है मान लीजिए ये मेरा पेज है और मुझे टेक्स्ट जो है इस तरह से लिखना है तो मैं लेफ्ट अलाइनमेंट का इस्तेमाल करूंगा, अगर मुझे यही टेक्स्ट मुझे राइट अलाइन करके लिखना है तो मैं राइट अलाइनमेंट का यूज करूंगा, यही टेक्स्ट अगर मुझे जो है सेंटर अलाइन करके लिखना है तो मैं सेंटर अलाइनमेंट का यूज करूंगा, तो इस तरह की सारी चीजें आप कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग, यानी दो लाइन्स के बीच में, जैसे आप इसमें देख रहे हैं ये दो लाइन के बीच में इतनी स्पेस है, वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, अप टू मिलीमीटर गैप्स, उस तरह की सारी चीजें आप यहाँ पर कर पाएंगे।
कलर स्कीम्स की, आपका जो टेम्पलेट है, आपके आगे जो स्लाइड है उसमें क्या कलर्स चल रहे हैं, वो सब आप वहाँ पर चूज कर लेंगे। और पर हर तरह का कलर आपको यहाँ पर एक पूरा व्हील मिल जाता है, आप उसमें जाइए अपने हिसाब का स्पेक्ट्रम जो है जहाँ पर सेलेक्ट करना चाहें वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और वो आपका कलर बन जाएगा। वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। बैकग्राउंड फिल, यानी कि आपको जैसे यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, मुझे इसको ब्लैक करना है, तो मैं फॉर्मेट में जाऊंगा, बैकग्राउंड चूज करूंगा, उसके बाद कलर सेलेक्ट कर लूंगा। मान लीजिए मुझे इसका जो कलर है वो व्हाइट की बजाय थोड़ा ऑफ व्हाइट चाहिए, ताकि आंखों पर कम जो है वो अफेक्ट करे, थोड़ा मतलब येलोइश टिंट के साथ जो है वो चाहिए, तो मैं सिंपली जाऊंगा वो कलर उस स्लाइड में से अपना जो स्पेक्ट्रम का मेरे को वो चार्ट सा दे रखा होता है उसमें जाकर उसको थोड़ा सा येलोइश की तरफ कर दूंगा, तो ये, और उसके बाद यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर मेरा सारा जो बैकग्राउंड है यानी जो व्हाइट है वो अब थोड़ा जो है थोड़ा सा वार्मर टिंट में आ जाएगा, यानी थोड़ा सा रेडिश हो जाएगा, जिससे मेरी आंखों पर जो है ब्लू लाइट का असर कम होगा। तो उस तरह की चीजें जो है आप अपनी मर्जी से पिंक करना चाहें, ब्लू करना चाहें, ब्लैक करो, कुछ भी करो, वो यहाँ से ही होगा। ग्रेडियंट्स भी ऐड कर सकते हैं, टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं, पैटर्न और पिक्चर भी ऐड कर पाएंगे। उसके बाद आते हैं स्पेलिंग चेक। फिर से F7 अपना कीबोर्ड पर दबाइए, आपके स्लाइड्स में जितनी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ओमिशंस है, कोमा लगाया, कोमा नहीं लगाया, फुल स्टॉप नहीं लगाया, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगा, उस तरह की सारे जो मिस्टेक्स हैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वो आपके यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं फिर से मैक्रो, सेम उसी तरह से जैसे आपने एक्सेल में क्रिएट करे थे, टूल्स में जाइए, मैक्रो कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, वही सारे स्टेप्स कर लीजिए जो जो आपको रिकॉर्ड करने हैं। रिकॉर्डिंग को स्टॉप कीजिए, मैक्रो आपका सेव हो चुका है, उसको अपने हिसाब का नाम दे दीजिए और उसको अपना एक डेडिकेटेड शॉर्टकट की अलॉट कर दीजिए, और फिर जैसे ही आपको दोबारा से वही सारी फॉर्मेटिंग करनी होती है आप अपना वो शॉर्टकट की दबाइए, आपकी फॉर्मेटिंग खुद मैक्रो आपके लिए करके दे देगा। प्रेजेंटेशन व्यू, फिर से वही प्रेजेंटेशन व्यू, वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी, स्लाइड व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू और अपना स्लाइड शो व्यू। एडिंग साउंड, आप साउंड भी ऐड कर सकते हो अपनी सारी की, भाई आपको बूम बूम की साउंड चाहिए, आपको गाने बजाने हैं या आपको थंडरिंग करनी है, आपको तालियां बजवानी है, वो हर तरह की जो है साउंड आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। इंसर्ट में जाइए, मूवीज ऑन साउंड में जाइए, प्ले सीडी ऑडियो ट्रैक, अगर आपने सीडी डाली है तो वो, नहीं तो आपके पास डाउनलोड फोल्डर में कोई ट्रैक है तो आप सिंपली उस डाउनलोड उस एक्सटेंशन को, यानी जहाँ पर आपका सेव है कि मतलब सी डाउनलोड और आपकी ये वाली वीडियो या ऑडियो, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, वो आपका जो है यहाँ पर बच जाएगा। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ये देखिए इंसर्ट पे जाइए, मूवीज ऑन साउंड पर क्लिक करें, साउंड फ्रॉम फाइल, यानी कि आपके डाउनलोड फोल्डर में जो है वो यहाँ पर दिख गई। उसके बाद एनिमेशंस कैसे ऐड करना है, कि भाई मेरा जो टेक्स्ट है वो ऐसे गोल गोल घूम के आ जाएगा, लेफ्ट से राइट आ जाएगा या राइट से लेफ्ट आ जाएगा, फेड इन फेड आउट, उस तरह की सारी चीजें जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो देखेंगे, क्लिक ऑन स्लाइड शो ऑन द मेन्यू बार ऑन द फॉलोड बाय एनिमेशन स्कीम्स फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो ये आपकी जो है आप इस पे करेंगे तो आपकी सारी एनिमेशन जो है, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ, इसका जो है थोड़ा क्वालिटी भी ठीक ठीक सी नहीं है। अप्लाई टू सेलेक्टेड साउंड, तो इस तरह से जो है आप सारे अपने वाइप, जैसे यहाँ देखेंगे वाइप मुझे दिख रहा है, रैंडम बार्स दिख रहे हैं, तो रैंडम बार्स का मतलब होता है वो एकदम से ऐसे जैसे ब्लाइंड फोल्ड्स नहीं होते आपके पर्दे होते हैं, जो ब्लाइंड्स वाले पर्दे होते हैं, उस तरह से ऐसे धीरे धीरे जो है आपका टेक्स्ट विजिबल होगा, तो अपीयर एकदम से एकदम अपीयर हो जाएगा। तो इस तरह की सारी चीजें यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, उसके ऊपर एनिमेशन जो आपको चाहिए उस पर डबल क्लिक कीजिए, अप्लाई टू ऑल स्लाइड कर दीजिए, कि भाई जो हेडिंग है मेरी, जो हेडिंग है जैसे यहाँ पर ये है प्रीसेट एनिमेशन, वो हेडिंग जो है मेरी एकदम से अपीयर हो जाएगी, एकदम से फेड इन, यानी धीरे 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 जो है विजिबल होना स्टार्ट करेगी। जैसे आप अगर मेरी वीडियोस को ध्यान से देख रहे हैं तो स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करते हैं तो एकदम से जो है मैं बोलना स्टार्ट नहीं होता हूँ, एकदम ब्लैक स्क्रीन से एकदम से व्हाइट पे शिफ्ट होता है, तो वो भी एक फेड इन ट्रांजिशन है या एनिमेशन आप उसको नाम दे सकते हैं। वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये सब जो है आपका है पावर पॉइंट मेनली। आइए और देखते हैं कस्टम एनिमेशन, यानी कि आप अपनी कस्टम एनिमेशन की भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप स्लाइड शो पे जाइए, कस्टम एनिमेशन पे जाइए और अपनी एनिमेशन अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई है। ये आपके अफेक्ट्स हैं, जो एंट्रेंस अफेक्ट्स हैं, जैसे ये मैंने बताया आपको, ब्लाइंड, चेकर बोर्ड, क्रॉल इन, डिजोल्व, फ्लाई, यानी कि एकदम से आपका टेक्स्ट ऐसे उड़ता हुआ आ रहा है, बॉक्स एकदम से ऐसे आ रहा है, सर्कल मतलब ऐसे घूम के आ रहा है, डायमंड मतलब डायमंड की तरह ऐसे टिमटिमाता हुआ आ रहा है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई। उसके बाद टाइमिंग, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ एनिमेशन अफेक्ट, तो आप वहीं पे जाएंगे स्लाइड शो में, कस्टम एनिमेशन पे जाएंगे, आपको सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी कि भाई कितने पर्टिकुलर जो मूवमेंट है या किस समय पर या कौन से टेक्स्ट के ऊपर ये वाली एनिमेशन होनी है, कितने टाइम तक ये एनिमेशन होगी। ऐसा ना हो कि भाई जैसे जैसे मैं अपनी वीडियोज जो है उसके अंदर हेलो बोलने पर जो मेरा इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है बिल्कुल उसी मूवमेंट पर जो है ब्लैक से एकदम ट्रांजिशन जो है वो मेरे जो यहाँ पर आपको दिखता है वीडियो लेक्चर जो है एक्चुअली जहाँ पे स्लाइड और मैं साइड में दिख जाता हूँ, तो वो बिल्कुल उस तरह से टाइम की गई है। मैं तो खैर उसके लिए अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, बट मैं प्रेजेंटेशन को भी उसी कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ कि आप उस तरह से इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट को अपना कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो एकदम फॉर्मली नजर आए। तो वो सारी चीजें यहाँ पर हो जाएंगी।
उसके बाद आपको अगर स्लाइड को हाइड करना है तो आप अपने स्लाइड शो पर जाइए और हाइड स्लाइड फ्रॉम मेन मेन्यू, या आप नॉर्मली आपने देखा होगा आपके जैसे ये विंडो थी, आपके यहाँ पर आपकी सारी स्लाइड जो आती हैं, आप जिस भी स्लाइड को हाइड करना चाहते हैं उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, उसके अंदर सारे ऑप्शन आ जाएंगे, डुप्लीकेट का भी, न्यू का भी, और वैसे यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा कि हाइड का या डिलीट का, तो अगर आपको हाइड करनी है तो आप वहां से जाकर अपना हाइड कर देंगे। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है, जैसे यहाँ तो वो चीज यहाँ पर बताई गई है। तो आपका पावर पॉइंट भी जो है वो यहाँ पर खत्म होता है। हमारा अगला चैप्टर कौन सा है आइए देखते हैं एक बार, लोटस स्मार्ट सूट। तो ये हमारा एक और जो है, इसके अंदर भी वही सेम चीजें होती हैं जो हमने एक्सेल पावर पॉइंट ये सब में देखा है। ये भी एक तरह से जो है अपना क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पैकेज ही है, बट ये किसी और कंपनी का है, ये लोटस के द्वारा दिया गया है, लोटस स्मार्ट सूट। तो इसके अंदर भी वर्कशीट्स मिल जाएंगी आपको, वो सारी चीजें इसके अंदर भी अवेलेबल होती हैं। तो आपकी जो है प्राइमरीली एमएस ऑफिस से रिलेटेड तीनों चीज जो है मैं कवर करा चुका हूँ, एमएस वर्ड कर लिया, एमएस एक्सेल कर लिया, और आज एमएस पावर पॉइंट भी कर लिया। मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वही सिमिलर चीजें इसके अंदर है पावर पॉइंट में, तो बल्कि वो चीजें और भी आसान है। जैसे मैक्रो हो गया, क्योंकि आपने एक्सेल में ऑलरेडी पढ़ लिया था तो इसके अंदर भी वो कोई अलग नहीं था, फंक्शन बिल्कुल सिमिलर था, उसको करने का तरीका बिल्कुल सिमिलर था, और उसका कॉन्सेप्ट भी एकदम से सिमिलर था। तो यही चीजें जो है आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी, कभी वो एक्सेल में मैक्रो कैसे बनाना है वो पूछ लेंगे, कभी वो पावर पॉइंट में मैक्रो कैसे बनाना है ये पूछ लेंगे, इसके अलावा जो है आपकी चीजें उसके अंदर एग्जाम में नहीं पूछी जाती। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, उनके एग्जाम्स की तैयारी कराना ही मेरा जो है मेन पर्पस है यहाँ पर। और आप अगर मेरे लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं तो आगे आने वाले लेक्चर्स में भी मेरे साथ जुड़ते रहिए, मैं आपको एग्जाम तक आपके सेमेस्टर्स की अच्छी तैयारी करवा दूंगा, आप उसकी चिंता मेरे पे छोड़ दीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।